हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और इसको डबल किया हुआ है। डबल करके इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आप 8 इंच तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से हम एक निशान 4.5 इंच पर लगाएंगे और फिर यहीं पर हम 2.5 इंच का एक निशान और लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद हम इस वाले हिस्से को गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ से करीब 1 इंच पर या उससे 1.5 पॉइंट कम हम इस पर निशान लगाएंगे। इसके बाद हम 1 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। आप ये निशान 1 इंच पर भी लगा सकते हैं, इससे 1 पॉइंट ज़्यादा पर भी लगा सकते हैं। सेम तरीके से ये दोनों निशान लगाने के बाद हम करीब 0.5 इंच पर एक निशान और लगा देंगे इसी शेप में। तो देखिए ये निशान हमें इस तरह से लगाने हैं। ये जो हमारी 1 इंच की ये पट्टी है ये हमारी ऊपर आएगी और जो हमारे ये दूसरी वाली जो पट्टी है बीच में ये हमारा नेक के बीच में गैप रहेगा और ये हमारा अंदर की साइड नीचे कुर्ती में आ जाएगा, यानी हमारे नेक की जो नीचे वाली पट्टी होगी ये होगी। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारे नेक की 3 पट्टियां हैं। ये हमारे ऊपर आएगी, बीच की पट्टी को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमारा बीच में एक डिजाइन बनेगा जो हम डोरी से बनाएंगे, ये हमारी नीचे पट्टी जुड़ जाएगी। इसके बाद सबसे पहले जो हमारी सबसे नीचे वाली पट्टी है उसको हम अपनी कुर्ती के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सीधी हम अपनी पट्टी को रखेंगे और तब पेस्ट करेंगे। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और इसके ऊपर किनारे से थोड़ा सा हटके एक सिलाई लगाते हैं। चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेंगे, इस क्रीज के ऊपर भी हम एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। और इस कुर्ती का जो मैंने शोल्डर यानी 13 लिया हुआ है वो 7 इंच लिया हुआ है। इसके बाद हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते हुए हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देंगे पूरे गले के ऊपर। कट लगाने के बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे और पलटने के बाद आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। इसके बाद हम अपने नेक की सबसे ऊपर वाली पट्टी लेते हैं, ये सबसे ऊपर वाली पट्टी है, और इसको भी हम अपनी कुर्ती के कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। और हमें इसको उल्टी साइड पेस्ट करना है कपड़े के, सीधा हिस्सा अंदर की तरफ होगा। और इसमें भी अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप एक पीस के ऊपर इसको इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। इसमें हमें 2 पीस लेने हैं सेम साइज के और दोनों के सीधे हिस्से कपड़े के अंदर की तरफ होंगे और हम इसको इस तरह से रखते हैं। इसमें फिर हम ऊपर की तरफ बुकरम के बिल्कुल बराबर में एक सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में मैंने सिलाई लगा ली है और बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद सिलाई की तरफ
हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद सिलाई की साइड हम पूरे गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे इस तरह से। देखिए पलट कर प्रेस करने के बाद हम सबसे पहले अपने नेक के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। देखिए ये हमारे नेक के बीच वाली पट्टी है जहाँ पर हमें डिजाइन बनाना है। मैंने ये एक पेपर का प्लेन एक पीस लिया हुआ है। इसके जगह आप अखबार भी ले सकते हैं और इसको भी मैंने डबल किया हुआ है और इसको भी डबल किया हुआ है। इसको हम इस तरह से रखते हैं बीच में से फोल्ड करके। हम इसमें दोनों साइड बिल्कुल सेम तरीके से निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी पट्टी पर और नीचे की तरफ भी। देखिए ये हमारी पट्टी के अकॉर्डिंग दोनों निशान लग गए हैं और इनको मैंने थोड़ा डार्क कर लिया है, लेकिन जो हम कटिंग करेंगे वो थोड़ा बाहर से करेंगे, इधर से भी थोड़ा बाहर से करेंगे और इधर से भी। ऐसे कटिंग करने के बाद हमारे ये जो निशान है हम इनके ऊपर चौक से निशान लगा देंगे थोड़ा डार्क करके, क्योंकि ये निशान हमें दूसरी साइड भी लेके आने हैं। ऐसे निशान लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीच में से, और ये निशान हम इस तरह से दूसरी साइड भी ले आएंगे। देखिए हमारे हल्के हल्के निशान दिखाई दे रहे हैं, इस पर भी हम बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए पेंसिल से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। देखिए ये निशान लगाने के बाद हमें बिल्कुल इसके बीच में एक निशान और लगाना है। जैसे हमारी इस पट्टी की चौड़ाई करीब करीब 1 इंच है, तो हम आधे इंच पर इस तरह से पहले निशान लगा लेंगे। देखिए इसके बाद हम डोरी बनाते हैं, और अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस डोरी के हम करीब करीब 2.25 इंच के पीस करते हैं इस तरह से, 2.25 इंच पर ये मैंने निशान लगाया है, और इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। देखिए आप इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें बीच में आना चाहिए हमारा ये पीस, तो इस तरह से आप रख के देख लें पीछे तक, ये हमारी इसमें इस तरह से आनी चाहिए ये डोरी। तो जितनी आपकी डोरी की लंबाई बिल्कुल सही आती है उतने उतने आप इसके पीस कर लें। इसके बाद हम अपनी डोरी को ऐसे फोल्ड करते हैं, और इस तरह से जो हमारी बीच में ये लाइन बनी हुई है इसके ऊपर बिल्कुल इसके सामने ये आना चाहिए, और जो हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे वो इस निशान से थोड़ा सा पीछे आप ये सिलाई लगा सकते हैं, और चाहे तो इस निशान के ऊपर भी लगा सकते हैं। ऐसे हम रखते जाएंगे और मिला मिला के इनको हम इस तरह से ऐसे सिलते जाएंगे। ये जो हमारा बीच में गैप होगा डोरी में वो बिल्कुल बराबर होगा। देखिए ये वाला गैप, यहाँ से तो मिला के लगाएंगे लेकिन ये गैप बराबर होना चाहिए। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसको फैब्रिक ग्लू से आप इनको इस तरह से रखते जाएं और पेस्ट करते जाएं, ये कागज़ है ये तो हमारा हट ही जाएगा बाद में, या फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फैब्रिक ग्लू से इसको करूँगी यानी पेस्ट करके इनको लगाऊँगी, तो इसमें ज़्यादा सफाई आएगी। देखिए हमारे ये जो निशान है बिल्कुल इस निशान के नीचे हम इस तरह से अपनी फैब्रिक ग्लू को ऐसे लगा लेंगे, और इनको इस तरह से इधर से तो इसमें मिला लेंगे, और यहाँ से इस लाइन पर आना चाहिए, तो यहाँ से ही हमारी पेस्ट हो जाएगी जो डोरी है, यहाँ से पेस्ट हो जाएगी, बाद में हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा सफाई आएगी मेरे हिसाब से, और अगर आप सिलाई लगाकर इनको जोड़ना चाहते हैं तो सिलाई लगाकर जोड़ सकते हैं। देखिए नीचे की तरफ पूरा मैंने डोरी से डिज़ाइन बना लिया है,
अब हम ऊपर की तरफ डोरे लगाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ की डोरे के हमें पीस करने हैं, वे थोड़े बड़े करने हैं नीचे से। नीचे मैंने 2.25 इंच के पीस कट किए थे, ऊपर करीब करीब हमें 2.5 इंच के पीस कट करने हैं, क्योंकि ये इन डोरे के बीच में से पीस निकलेंगे तो थोड़ी सी इनमें लंबाई ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह से हम इनको निकालते हैं। देखिए ऐसे रखेंगे, 2 पीस के बीच में इस तरह से रखेंगे हम इनको, ऐसे निकालते हैं। देखिए ऐसे, और फिर आप पहले इसमें ग्लू लगा लें। गैप हमें जितना यहाँ रखना है इतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है। और इधर से हमें जैसे हमने आपस में इधर से मिलाए हैं, यहाँ से भी सेम तरीके से मिलाने हैं। देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन तैयार कर लिया है। और हमारी देखिए ये जो बीच की दूरी है, ऊपर की साइड आपको ये थोड़ी कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि ऊपर हमारे नेक की चौड़ाई थोड़ी कम है और नीचे थोड़ी ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमारे नेक की ऊपर वाली पट्टी है, तो इसको मैंने अंदर की तरफ को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है। और फिर हम दूसरी पट्टी को इस तरह से, देखिए जो हमारी पट्टी बुकरम के ऊपर पेस्ट है उसको मैंने अंदर को फोल्ड कर लिया है। और इसको हम इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे निशान लगा लेंगे बुकरम तक फोल्ड करके। देखिए फिर उसी निशान तक फोल्ड करके हमें इस पट्टी को भी अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेनी है। तो ये दोनों साइड से हमारी इस तरह से फोल्ड हो जाती है। इसके बाद हम सबसे पहले अपनी कुर्ती के हिस्से पर अपने डिजाइन को सिलते हैं। जो हमारी ये लाइन है यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए इसके बाद हम इनके बीच में इस तरह से इस लाइन तक इस तरह से रखते हैं, और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बीच में रखते हुए सिलाई लगाएंगे। और जिस साइड आपकी पट्टी में ज़्यादा फिनिशिंग है वो साइड आपको सीधी तरफ रखनी है। देखिए इसको सिलने के बाद हम ये पेपर हटा देंगे, ये आसानी से हट जाएगा। ये हमारे गले का फाइनल लुक है। और यहाँ पर देखिए मैंने मोती लगा दिए। आप इस तरह से मोती भी लगा सकते हैं, ये मोती आप ऊपर और नीचे दोनों साइड लगा सकते हैं। हाथ से लगाने वाले भी आते हैं और पेस्ट करने वाले भी आते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।